व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वार्म कलर एंड कूल कलर. वार्म कलर और कूल कलर में क्या डिफरेंस होता है. वार्म कलर्स आर बोल्ड एंड एनर्जेटिक, कूल कलर्स आर सूथिंग एंड काम. अब वार्म कलर्स कौन से होते हैं, आप सबसे पहले ये एक एग्जांपल देखो. इसमें आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, ठीक है, दो पिक्चर्स हैं इसमें, एक कूलिंग इफेक्ट में है और एक वार्म. स्किन टोन भी वही है, वही कलर्स हैं, लेकिन वो थोड़ी सी वार्म है और वो थोड़ी सी कूल है, क्योंकि कलर्स की टोन्स वही यूज़ हुई हुई हैं. इसमें सारा काम आ जाता है इंटेंसिटी का, वैल्यू का, सेचुरेशन आपके कलर्स की, लाइट या ब्राइट. आप अक्सर कैमरा में पिक्चर लेते हो और उसको फिर ब्राइट, उसकी ब्राइटनेस उसकी बढ़ा के उसको ब्राइट कर देते हो. वो जो आप उसकी ब्राइटनेस बढ़ाते हो ना बेटा, वही चीज़ आपकी इंटेंसिटी और वैल्यू होती है, प्रॉपर्टीज़ होती हैं कलर की, ठीक है. अब कौन से कलर्स होते हैं जो वार्म कलर्स होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, येलोइश ग्रीन, ये होते हैं हमारे वार्म कलर्स. जो बहुत ज़्यादा आप देखते हो तो आपको चुपते हुए, आपको करीब होते हुए नज़र आते हैं. अब आप एक, आपके पास छोटा सा रूम है, उसमें अगर आप रेड पेंट कर देते हो तो वो आपको रूम बहुत ज़्यादा अपने क्लोज होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है. तो वो एनर्जेटिक कलर है, वार्म कलर है. इसी तरह आप इस कलर व्हील में देख सकते हो, इसमें पर्पल की टोन है, ब्लू की हैं, लाइट लाइट कलर्स हैं. लाइट कलर्स होते हैं जो आपकी आंखों को थोड़ा सा सुकून देते हैं, आपको अच्छा फील होता है, आपको वो अपने करीब होते हुए नज़र नहीं आते. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ कूल कलर. अब आपने कूल कलर के नेम्स बताने हैं कि कूल कलर बेसिकली होते कौन से हैं. ब्लू, ग्रीन, पर्पल अलॉन्ग विद वेरियस अदर कम्बिनेशन ऑफ दीज कलर्स आर कूल कलर्स. अब कूल कलर्स क्या हैं, ये वाला ग्रीन, ब्लूइश, पर्पलिश, ये, और इन्हीं से रिलेटेड, इन्हीं की फैमिली में से इनकी लाइट टोन्स वाले कलर्स जो हैं वो कूल कलर्स हैं. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द नेम ऑफ वार्म कलर्स. रेड, ऑरेंज, येलो अलॉन्ग द वेरियस अदर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कलर्स आर वार्म कलर्स. अब कौन से वार्म कलर्स होते हैं, वार्म कलर्स हैं आपके पास रेड, येलो, येलोइश ऑरेंज सा है आपके पास, ठीक है, ये आपके वार्म कलर्स हैं और इन्हीं की फैमिली से बिलोंग करते हुए दूसरे कलर्स आएंगे इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन सेकेंडरी कलर. सेकेंडरी कलर क्या होता है, बेसिकली व्हेन वी मिक्स टू प्राइमरी कलर्स इन इक्वल क्वांटिटी प्रोपोर्शन, सेकेंडरी कलर्स आर प्रोड्यूस सच एज ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल. अब आप इस पिक्चर में देख सकते हो, पहले मैं आपको क्वेश्चन को डिफाइन कर देती हूँ कि बेसिकली सेकेंडरी कलर्स होते क्या हैं. जब आप दो प्राइमरी कलर्स को आपस में मिलाते हो, दो प्राइमरी कलर्स को, जैसे कि रेड और येलो को मिलाया तो हमारे पास थर्ड वन कलर कौन सा आ गया, ऑरेंज. इसी तरह ब्लू और येलो को मिलाया तो हमारे पास थर्ड वन कलर आ गया, ग्रीन. आप जब दो प्राइमरी कलर्स को मिलाते हो तो जो हमारे पास थर्ड कलर आता है वो होता है सेकेंडरी कलर. नेक्स्ट, राइट अबाउट न्यूट्रल कलर्स. न्यूट्रल कलर्स कौन से होते हैं, अब हमारे न्यूट्रल कलर्स कलर व्हील पे शो नहीं होते. न्यूट्रल कलर्स या अर्थ कलर्स, न्यूट्रल कलर्स को ही अर्थ कलर भी कहा जाता है. अब न्यूट्रल कलर्स होते कौन से हैं, ऑरेंज, रेड, येलो, ब्लू, ये तो हो गए जी हमारे वार्म कलर्स, और पर्पल, लाइट ग्रीन, लाइट येलो, ब्लू, पिंक, ये वाले कलर्स हो गए हमारे कूल कलर्स. तो अब बाकी के जो कलर्स बचते हैं, लाइक मरून है, बेज कलर है, जो देखने में टैन बहुत कम यूज़ होते हैं, बहुत कम देखने में आते हैं, अब वो कलर्स, उनका भी तो कोई ना कोई नेम होगा, उनकी भी कोई ना कोई फैमिली होगी, तो वो होते हैं न्यूट्रल कलर्स. ब्लैक, वाइट, ब्राउन, बेज एंड ग्रे आर न्यूट्रल कलर्स. इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज अर्थ कलर. अगर आपको लिखा हुआ आ जाता है पेपर में क्वेश्चन, राइट अबाउट अर्थ कलर्स, तो आपने परेशान नहीं होना, अर्थ कलर ही न्यूट्रल कलर्स होते हैं, न्यूट्रल कलर्स ही अर्थ कलर्स होते हैं. अब ये बेसिकली होते कौन से कलर्स हैं, ये होते हैं ये बेज, कॉफ़ी, टैन, वाइट, ग्रे, ब्लैक, चारकोल, नेवी, लाइट ब्लू, ठीक है, चॉकलेट, ऑलिव, ड्रीमी पिंक, ये कलर्स जो हैं ये होते हैं न्यूट्रल कलर्स. अब इन न्यूट्रल कलर्स को अर्थ कलर भी कहते हैं, और इनके साथ कॉम्बिनेशन कौन से कलर्स के जा सकते हैं ये भी आप इस पिक्चर में देख सकते हो.
क्योंकि हम लोग रेड के साथ ऑरेंज कर लेते हैं, पर्पल के साथ पिंक कर लेते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन इजीली कर लेते हैं. हमें प्रॉब्लम आती है इन कलर्स के साथ किसी भी कलर को कॉम्बिनेट करते हुए. अब आप इसके साथ कोई भी कलर, इसके साथ येलो ऑरेंज कर दो, कोई भी ग्रीन कर दो, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत डल से कलर होते हैं. इनके साथ ये कलर्स जाएंगे जो डार्क की टोन में आएंगे, ये कॉम्बिनेशंस होते हैं इसके साथ.